जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे शैला खान और मुजफ्फर दोनों डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में 370 हटने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए और अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाएंगे सितंबर से पहले और साथ ही साथ जो स्पेशल फोर्सेस है उनको भी विड्रॉल किया जाएगा और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा में लेकर। आपको पता ही है कि आर्टिकल 370 के समय पर पाकिस्तानियों ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का और चाइना का या वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर नहीं झेल पाएगा आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए, लेकिन आर्टिकल 370 फाइनली रिमूव हो चुका है और कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं। आपके सामने हाजिर है शैला खान और मुजफ्फर, दोनों डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, जैसे मैंने इंट्रो किया कि ये उतनी ही बड़ी खबर है जितनी कि आर्टिकल 370। अमित शाह जी इंडिया के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जो है जम्मू एंड कश्मीर से जो है आर्मी वापस बुला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये फैसला ठीक है और इसका पाकिस्तानी साइड के जो कश्मीर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? रोना धोना शुरू हो जाएगा इधर अभी से। अच्छा। अब देखेंगे ये खबर जब अमित शाह की आई है तो पाकिस्तान के अंदर से रोना धोना शुरू हो जाएगा। वो देखेंगे कि अमित शाह ने ये बोल दिया, अमित शाह ने वो बोल दिया और वहां पर तो बहुत जुल्म हो रहा है और ये बात कर रहे हैं फोर्सेस वापस बुलाने की। तो ये आपको पता है कि हमें तो एक कुछ इशू चाहिए होता है, हमें को बात चाहिए होती है कि जिसको लेकर हम उसका यहाँ पर हवा खड़ा करते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हो या हमारी आवाम हो। सबसे पहले तो चीजें समझने की जरूरत है कि ये जो आपने खबर बताई है ये खबर क्या है। खबर ये है कि भारत के अंदर पहले तो हमें ये बताया जाता है कि जी भारत के जो फौज है वो 7 लाख के करीब जो है वो कश्मीर में मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तकरीबन 1,30,000 के करीब जो फौज है उसकी तादाद है जो कश्मीर में मौजूद है, उसमें से 80,000 जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मौजूद है जो पाकिस्तान और इंडियन जो कश्मीर के दरमियान में है वहां पर मौजूद है और बाकी 50,000 के करीब है जो पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि कहां 7 लाख 8 लाख हमें बताया जाता है और कहां जो है वो सिर्फ 50,000 है। और इसको देखें कि उन्होंने बोला कि 7 साल के टाइम के अंदर इस चीज को वो खत्म करके आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि लोग अब समझ चुके हैं, लोग अब रियलाइज कर चुके हैं कि ये जो एजुकेशन की जो एक पॉलिटिक्स है जो कि हुर्रियत के लोगों ने और इस तरह दूसरे जो वहां के लोग थे या और जो यहां से जाते थे लोग जो दरअंदाजी होती थी वहां पर वो सारी की सारी चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब सारी वहां पर उनका जो नजरिया है, उनकी जो सोच है, उनका जो फोकस है वो कश्मीर की तरक्की के ऊपर है। लोग चाहते हैं कि ये हमारा इलाका जो है, हमारा जो खित्ता है, हमारी जो स्टेट है वो तरक्की करे। और जिस तरीके से वहां पर आप देखें कि इन्वेस्टमेंट हो रही है पिछले 3 साल के अंदर 85,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर आई है। दुनिया की बड़ी जो कंपनीज है वहां पर चाह रही है कि जी इन्वेस्टमेंट करें हर शोबे के अंदर। एमआर ने देखे वहां पर इन्वेस्टमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखे वहां पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, सेहत के लिए वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, इसके साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पर बना है, वंदे भारत वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, एयरपोर्ट और नए वहां पर बन रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज वहां पर बन रही हैं। तो क्या कौन सी ऐसी चीज है कि जो भारत के एक आम स्टेट के अंदर मौजूद है और अब वो जम्मू और कश्मीर में मौजूद नहीं है? तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें कोई अब ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो भारत के एक जो डेवलप स्टेट है वहां पर हो और जो कश्मीर के अंदर ना हो। तो ये इस वजह से लोग वो देखते हैं ना, वो कहते हैं कि जी काम हो रहा है वहां पर, वहां की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, लोगों को सहूलियत मुहैया कर रही है, नौजवानों के लिए कितना उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कि वहां पर आप देखें कि उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पर स्टार्ट किए गए। ये सारी चीजें जब वो देख रहे हैं कि जी हम तो हम पत्थर क्यों उठाएं, हम हथियार क्यों उठाएं, हथियार ये जो एक जो पीछे 2-3 जो उनकी पुश्तें गुजरी हैं, जो उनके जो लोग गुजरे हैं वो इस चीज को करते थे, उन्होंने किया सारा कुछ किया, लेकिन अब जो लोग हैं वो कहते हैं यार इन लोगों ने हमें किस जो है वो चीज के पीछे लगा दिया था और वो अब देख रहे हैं कि जी हमारा फायदा कहाँ पर है, हमारी जो है असल में हमें गुमराह किया गया, हमें बरगलाया गया। अब वो सारी की सारी चीजों को पीछे रखे भारत की और कश्मीर की तरक्की की तरफ वो देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि G20 कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई, पूरी दुनिया से जो डेलीगेशन वहां पर आए उन्होंने भी देखा कि जो एक देखें कितना बड़ा एक हब है टूरिज्म का जो कश्मीर है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं
उसको जो कश्मीर का हुसन है, उसकी जो ब्यूटी है, उसको देखने के लिए वहां पर आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। हमारे तो आप अगर हमारी तरफ देखेंगे, हमारे तो यहाँ पर रोड नहीं है। अगर आप झेलम से आके जाना शुरू करते तो आपको टूटी हुई रोडें मिल जाएगी। तो हमारे पास ना तो हॉस्पिटल है, ना हमारे पास कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, ना रोड्स है, ना एयरपोर्ट। पूरे कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक भी एयरपोर्ट नहीं है। किसी ने अगर जाना हो तो क्या करेगा, पहले इस्लामाबाद उतरेगा, वहां से फिर वो गाड़ी पकड़ेगा और एक दिन पूरा उसको चाहिए कश्मीर तक पहुंचने के लिए। तो ये फर्क है कि हम देखें कि हमने अपने लोगों को क्या दिया। हमारे लोग तो आज भी बुनियादी सहूलतें जो है उनसे वो दूर है। ना तो सेहत की सहूलत है, ना एजुकेशन इनको मिल रही है, ना कोई डेवलपमेंट है। लोग मजदूरी करने के लिए कश्मीर से इस वक्त फैसलाबाद के अंदर हजारों जो लोग मजदूरी करते हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि जो फैसलाबाद का जो एक एरिया है जहाँ पर कपड़े का काम होता है, जो सारे के सारे वहाँ के जो बोझ उठाने वाले जिसको हम पांडी बोलते हैं, वो सारे कश्मीरी हैं। अब देखें ना कि वो अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, कितना कमा लेते होंगे, 10-15-20 हजार कमा लेते होंगे, यहाँ भी रहना और वहां पर भी भेजना। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जो हम कश्मीरियों को दे रहे हैं? और हम बाद में बात करते हैं कि जी हमारा जो ऐसे हो गया, जी वो हो गया। भाई तुम्हारे पास जो बंदे बैठे हैं, तुम्हारे पास एक जो जगह दी गई है, सारा कुछ दिया गया है, उन लोगों के लिए क्या किया तुमने? आज ये कश्मीर डे है, जी रैली निकालो, आज ये कश्मीर फलाना है, आज वैसे कर लो। और भाई जो तुम्हारे पास एक खित्ता पूरा का पूरा मौजूद है, उन लोगों की उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिलीफ के लिए तुमने क्या काम किया? कोई एक मुझे प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बता दे कि जो कश्मीर के अंदर हो। कोई एक बड़ी कारखाना, कोई एक फैक्ट्री मुझे बता दे कि जो पाकिस्तानी कश्मीर में लगी हो। तो क्या क्या हमारे पास है बताने को? क्या है हमारे पास दिखाने को? कुछ है हमारे पास बताने को? कुछ है? हम तो सिर्फ बातें करने के लिए तैयार हैं। हम ये देखिएगा, आज भी ये देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारे बैठेंगे तो बोलेंगे जो हो मर गए जी, वो देखे जी, वो जो जी मोदी सरकार ने तो ये अब ये कर दिया, पहले 370 को खत्म किया है, अब वो जो है जी वहां से फौज को उठा रहा है, और ये फौज को हटाएगा नहीं, ये फौज को ऊपर लगा देगा। तो बातें हैं करने वाली, सोचने हैं। देखें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, जब भी मीटिंग होती है कोई, क्या जी हमें बहुत कंसर्न है, हमें कश्मीर पे बहुत, भारतीय जो कश्मीर है उसके ऊपर, मुसलमानों की हालत ज़ात पर बहुत कंसर्न है। और भाई तुम्हारे पास जो कश्मीर है, तुम्हें उसके ऊपर कंसर्न क्यों नहीं है? उनकी जो हालत है, उनकी जो बेरोजगारी है, उनकी जो चीजें हैं, उनके ऊपर कंसर्न क्यों नहीं? मैं अपनी बात बताऊं, मेरी गाड़ी चोरी हुई है, आपको शायद पता हो, मेरी गाड़ी चोरी हुई है, वो कश्मीर में मौजूद है, कोटली के अंदर मौजूद है गाड़ी, ट्रैकर लगा, गाड़ी को ट्रैकर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर चोर पकड़ा गया, जिस चोर ने आगे सेल की है वो कश्मीर कोटली के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर उसने सेल की है। तो हम जैसे ही पंजाब पुलिस जाती है, एंटर होती है कश्मीर के अंदर, वो आगे से उस चोर को देते हैं कि भाई वो पकड़ने आ रहे हैं, वो गायब हो जाता है गाड़ी लेकर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आप ये देखें कि एक चीज का पता है, एक चोर का पता है कि वो चोर है, वो गाड़ी भी चोरी की उसके पास है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ये कश्मीर की हालत, मैं पाकिस्तानी कश्मीर की हालत आपको बता रहा हूँ। तो जब यहाँ से हमने अप्रोच भी की, सिफारिश भी लड़ाई, हमने रिश्वत भी दी, सारा कुछ किया, जब इतना कुछ करके भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा कश्मीर के अंदर, तो वहां पर आप अंदाजा लगा लें कि एक आम जो वहां पर कश्मीरी है उसका क्या हो, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी गाड़ी का सुन के, सच में मुझे नहीं पता था ये कब का वाकया है, कौन सा मॉडल था और ये कैसे चोरी हुई। ये टोयोटा क्रोला थी, है तो मेरे पास इस तरफ ऐसा तो नहीं था, पुराना मॉडल था, मेरे ख्याल में कोई 8-9 मॉडल था क्रोला का। तो ये हो गए मेरे ख्याल 6-8 माह हो गए इसको, मैं शादी पे शिरकत करने गया था तो शादी हॉल के बाहर से चोरी हो गई थी। तो चोर ने आगे कश्मीर भेज दी, अब कश्मीर के अंदर गाड़ी है, हमें पता भी है कि कौन चोर है, कहाँ उसका घर है, लेकिन हम उसको जो है वो इतनी हमारे अंदर नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की, मैं आपको बात बता रहा हूँ कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल है कि हम वहां पर अगर जाएंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। ये इस वक्त सूरत हाल है। हम किस मुंह से हम बात करते हैं कि जी वो कश्मीर है और वहां पर ये है, वहां पर वो है, उन लोगों को मुजफ्फर भाई मुद्दा हमारे पास भारत के ऊपर बात करने का कोई था ही नहीं है, और कश्मीरी एक था जनवा में भी, जब भी मीटिंग्स वगैरह होती है यूएन में तो एक ही पाकिस्तान के पास रोना धोना रहता है कश्मीर का। आज मैं वीडियो देख रही थी, आजाद कश्मीर के एक्टिविस्ट जो मुल्क से बाहर है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये हमारे गले में लानत का तोप है और हम इससे जो है निजात चाहते हैं और इंडिया हमें जो है ना स्पेशल स्टेटस दे ताकि यहाँ के लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट हो। इतनी नफरत, और ये आज मैंने ये फोर्सेस वाला पढ़ा कि इंडिया फोर्सेस ने कहा इसको नॉर्मलाइज करा क्योंकि आसपास वहां पर लगती है जहां पे वायलेशन बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि कश्मीर में से जो वायलेंस है वो खत्म हो रही है और लोग जो है एक हेल्दी लाइफ जो है गुजार रहे हैं, जहां पे डेवलपमेंट तो नॉर्मल हो चुके हैं, वहां पर तो नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है, हर चीज जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है,
वहां पर कोई ऐसा मसला ही नहीं। आपने देखा होगा कि कोई पिछले कोई एक दो तीन सालों के अंदर कोई बड़ा वाकया हुआ ही नहीं है, नहीं कोई इस तरह का हुआ हो। जो अगर कोई वाकया होता भी है तो वो वहां के लोकल लोग नहीं करते, यहाँ से या बाहर से जो कुछ लोग हैं जो जाकर वहां पर अटैक करते हैं, ये चीज होती है। लेकिन वहां के लोग समझ चुके हैं कि हमने भारत के साथ ही रहना है, हमारा देश यही है और हम उसी के साथ रहकर ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अब देखें ना पाकिस्तान के हालात है कि बॉर्डर है ना दरमियान में, बॉर्डर के उधर क्या हालात है और इधर क्या हालात है, वहां पर बिजली के क्या रेट है और यहाँ पर बिजली के क्या रेट है, वहां पर पेट्रोल के क्या रेट है यहाँ पर क्या है, वहां पर गैस के क्या रेट है यहाँ पर क्या है, आलू का रेट देख ले, प्याज का रेट देख ले। अभी मैं प्याज लेकर आया हूँ, अभी 300 रुपए किलो प्याज है यहाँ पर। आलू देख ले 100 रुपए किलो आलू मिल रहा है, आलू प्याज बेसन जो है वो 3 पकौड़े बनाते हैं हम, बेसन बनाते हैं वो 300 रुपए किलो वो लेकर रहा है। तो क्या हम कहाँ पर जाएं, गरीब बंदा कहाँ पर जाए पाकिस्तान के अंदर। फिर कहते हैं कि जी नहीं जी मुजफ्फर भाई वो हमारे पश्तों का एक मुहावरा इंटरनेट पे बड़ा वायरल हो रहा है, गरीब तबाह है, गरीब तबाह है, यहाँ का गरीब जो है वो तबाह है। दोस्तों आपने देखा आर्टिकल 370 हटने के बाद से कई चेंजेस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होते हुए दिखे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अब उसमें एक जो रेगुलर स्टेट है उसकी तरह इलेक्शंस करवाए जाएंगे और साथ ही साथ उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए छोड़ा जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक हर जगह आपको आर्मी जवान ही दिखते थे, लेकिन अब स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों को हटाया जाएगा और वहां पर पीसफुली इलेक्शन करवाने की तैयारी अमित शाह ने कर ली है। साथ ही साथ इससे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को क्या फर्क पड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर की आवाम इतनी खुश है, कोई नरेंद्र मोदी को अपना भाई बोलते हैं, कोई अमित शाह को अपना भाई बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम भारत में या भारत के लोग कश्मीर में आकर बिजनेस कर सकेंगे, कश्मीर के लोगों से अपना कल्चर शेयर कर सकेंगे या फिर कश्मीर पूरी दुनिया में अपना कल्चर शेयर कर सकेगा। तो इस तरह का जो बाउंडेशन था वो अब खत्म हो चुका है, लगातार डेवलपमेंट के नए आयाम बिल्ड किए जा रहे हैं। विदेशी ममालिक जो कि मुस्लिम ममालिक खास तौर पे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर बढ़ा रहे हैं। एमआर ग्रुप ने बहुत बड़ा एक मॉल तैयार करने की जिम्मेदारी भी ली है और इसका कंस्ट्रक्शन काफी समय पहले स्टार्ट भी हो चुका था। हो सकता आने वाले एक साल के अंदर एमआर ग्रुप अपना जो मॉल है वो भी तैयार कर ले। इसके अलावा सऊदी अरब ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है या फिर विदेशों से भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर हम बात करें एक छोटे से फ्रूट वेंडर के पास बाहर से पैसा आ रहा है, बोले तो 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है फॉरन से, लेकिन कहने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो पहले निवेश नहीं किया करते थे अब वहां पर निवेश भी हो रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और दुनिया को अट्रैक्ट करने की भी यहाँ पे कवायद चालू हो चुकी है और मिस वर्ल्ड का भी अब प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली है। इससे पाकिस्तान की आवाम थोड़ा सा खफा जरूर है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।